आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवा रहा हूं जिसने 4 एकड़ में नींबू की खेती की शुरुआत की 2014 में। आज 8 साल बाद किस प्रकार वो उस 4 एकड़ नींबू से 8 लाख प्रतिवर्ष की कमाई कर रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन आपको ये वीडियो पूरे ध्यान से और पूरा देखना है। इसकी सबसे अच्छी बात ये होगी कि नींबू को जो हम लगाते हैं वो 20x20 पर, जैसे मैं संस्तुति करता हूँ, तो इस किसान ने भी 4 एकड़ में 450 पौधे लगाए और वहाँ पर इंटरक्रॉप लेकर पहले साल से ही अच्छी खासी आमदनी शुरू कर दी, जिसके लिए लोग परेशान होते हैं। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो किस प्रकार की, कैसे की और यहाँ किस प्रकार पहुँचे, ये चीज़ मैं मिलवाता हूँ उस किसान से। किसान साथियों, ये हैं मेरे मित्र नवेद शेख। नमस्ते। आप लोगों ने पहले भी इन्हें मेरे चैनल पर देखा होगा और ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के एक्टिव सदस्य हैं और लोगों को सलाह भी दे। अब हम शुरू करते हैं ये इंटरव्यू नवेद जी से। नवेद जी, आप अमेजिंग किसान चैनल पर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सब लोग आपको जानते हैं और आसपास भी जानने लगे जी। आज मैं हम अधिकतर देखते हैं कि हर किसान का सपना होता है कि वो एक अच्छी खासी आमदनी करे, और जब अच्छी खासी आमदनी से मतलब होता है कि कम से कम उसे 1 एकड़ में 1 लाख की आमदनी होनी चाहिए, जबकि आप तो इससे लगभग डबल पर पहुंच गए। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बाग की शुरुआत की 2014 में आपने की, आपने नींबू को ही क्यों चुना? सर, नींबू का पर्पस यहाँ पर इस वजह से क्लाइमेट, मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है। यहाँ का सर क्लाइमेट जो है वो 40+ रेगुलरली रहता ही रहता है यहाँ पर। अच्छा। और नींबू को ये जलवायु काफ़ी पसंद आती है और रास आती है, तो इसमें और यहाँ पर सर नींबू की मांग काफ़ी ज़्यादा है जैसे महाराष्ट्र में, और यहाँ से ट्रांसपोर्टेबल बिजनेस भी काफ़ी अच्छा। जब आपने ये निश्चय कर लिया कि मुझे नींबू ही लगाना है, तो नींबू में कई प्रकार के पौधे मिलते हैं, ग्राफ्ट वाले भी होते हैं, गुट्टी वाले 2 साल में देते हैं और बीज वाले 5वें साल से शुरू करते हैं, तो आपने बीज वाले पौधे ही क्यों सेलेक्ट किए? सर, बीज वाले पौधे सिलेक्ट करने का मेरा मेन पर्पस ये था क्योंकि बीज वाले की जो एज लिमिट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। अच्छा। अप्रॉक्स सर ये बीज की जो एज लिमिट रहती है 30 साल से 35 साल के बीच में रहती है, और ग्राफ्टेड पौधे की जो एज लिमिट रहती है वो 12 से 15 साल के बीच रहती है। जब आपने इन्हें लगाया 20x20 पर, आपने इन पौधों को लगाया जी, तो आपने 20x20 पर ही क्यों लगाया? सर, 20x20 का मेरा मेन पर्पस ये था कि मुझे कुछ जानकारी मैंने हासिल की थी इसमें, जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं और मैंने YouTube पे वीडियो देखे थे, लेकिन उनका सर ये हाईली कंजप्शन रहता है, एक्सपेंसेस बहुत काफ़ी ज़्यादा आते हैं। वजह ये रहती है क्योंकि सर नींबू एक झाड़ी नुमा पेड़ है, इसमें सर आपको अगर अंदर काम करना है या कुछ भी जाना है, घूमना है, स्प्रे करना है, तो इसमें सर कटीली झाड़ियाँ आती है, तो ये एक दूसरे में जब 2-3 साल बाद एक दूसरे में जब गुत्ता में गुत्ता होती है, आपस में मिलती है, तो आप इधर से उधर निकल नहीं सकते और बीच में कार्य भी नहीं कर सकते। हाँ, शुरू में 3 साल तक मुझे ऐसा लगा कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने इस स्पेस को कवर करने के लिए इंटरक्रॉप में मैंने गेहूँ, सोयाबीन वगैरह की फसल मैंने अक्सर ली, डॉलर चने की फसल ली, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। जैसे 2 साल पहले मैं आया था आपके बाग पर, तो उस टाइम इन्हें 5 साल हुए थे, मतलब छठा साल चल रहा था, तो तब ये पौधे मिल चुके थे। और आज तो अब हालत देखते हैं कि ये मतलब मिलने के बाद में आपको चलना भी मुश्किल है। पहले तो मेरा हाथ फैलता था, लेकिन अब वो चलना भी मुश्किल हो रहा जी है। सर, अच्छा, जब आपने ये लगाए तो जो 20x20 फीट पर लगाए तो उस टाइम तो बहुत जगह दिखाई देती होगी। हाँ सर, बहुत। तब आपने पहले साल से ही किस प्रकार आमदनी लेनी शुरू करी उनसे? सर, पहले साल से सर ये तो सिर्फ सिंगल एक डंडी जैसा पेड़ था, ये पौधा था, पेड़ भी नहीं बोल सकते इसको। उसमें सर इसकी लाइन हम छोड़ देते थे, शुरू में मैंने ड्रिप नहीं लगाई थी इसमें, ड्रिप मैंने बाद में 2 साल बाद लगाई थी,
इसमें सिर्फ हम इसकी लाइन छोड़ दे, लेकिन आसपास 3 फीट इधर राइट साइड एंड 3 फीट लेफ्ट साइड दोनों साइड छोड़ के खेती करते थे, बीच में बुवाई करते थे हम लोग। उसमें क्या किया आपने? सर मैंने पहले वर्ष में सर डॉलर चने बोए थे, जिसमें मुझे काफी अच्छा रेट उस टाइम 2014 में काफी अच्छा रेट प्राप्त हुआ था, जो मैं मेरे पापा ने सावेर से लेकर आए थे 110 रुपए किलो के हिसाब से और 11,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से। तो कितना क्विंटल हुआ था डॉलर चना आपका? सर हमारा उस टाइम में सर हुआ था चना हमारा अप्रोक्सर 44 क्विंटल का, 44 क्विंटल के हिसाब से हो गया था। 4-5 लाख की आपने इसमें वो हो, 5 लाख रुपए लिए, तो इसमें से खर्चा कितना आया होगा आपका? सर मेरा खर्चा उस टाइम में ओवरऑल जब मुझे हुआ था मेरा खर्चा चने का ये समझ लीजिए सर मेरे को 65,000 के समथिंग खर्चा बैठा था। 1 लाख मान लेते हैं। हाँ एक और ये सीजन का खर्चा, लेकिन पूरे और उसके चने का 65,000 समझ लीजिए आप। तो 4 लाख शुद्ध, 4.5-4.5 लाख शुद्ध कमाई आपको चने से हुई। उसके बाद कोई और फसल ली एक साल में? उसके बाद में सर जब सोयाबीन ले लिया था हमने। अच्छा, सोयाबीन में कितना बचा आपको? सोयाबीन में सर मुझे उस ये समझ लिया सर, जब उस टाइम मैंने भाव था 45-4.5 हजार रुपए क्विंटल के हिसाब से मैंने बेचा था उसको। अच्छा कितने क्विंटल? 16 क्विंटल निकला था सर। 64,000 रुपए। हाँ 64,000 रुपए आपका ये हो गया। तो टोटल आपका ये काफी बैठ गया ये। हाँ। तो मतलब 5 लाख से ऊपर आमदनी हो गई। तो पहले साल में ही इन्होंने इस जमीन से शुद्ध आमदनी खर्चा काट कर 5 लाख से ऊपर ली और नींबू के पेड़ अलग से बोनस के रूप में बढ़ते रहे। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये जो बड़वानी का क्षेत्र है जो मैं देख रहा हूँ, ये सब्जी की बेल्ट बहुत जबरदस्त। हाँ सर। और आप सब्जी पर कंसल्टेंसी भी करते हैं? हाँ सर। है ना, आजकल तो बहुत करते हैं, उस टाइम नहीं थी। तो आपने सब्जी लगाने की क्यों नहीं सोची? उसमें क्या रहता है सर, सब्जी में बार बार ट्रैक्टर चलाने की आवश्यकता पड़ती है, और नींबू में ऐसा रहता है सर अगर बार बार आप ट्रैक्टर इंटरक्रॉप में अगर आप चलाओगे तो इनकी जड़ें सर अपर लेयर पे मतलब ऊपरी सतह पे चलती है, तो ट्रैक्टर से इनको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है। मैंने ऐसा सब्जी पूर्णतः मैंने ये समझ लीजिए कि मैंने अवॉइड नहीं की थी, मैंने कुछ थोड़े से हिस्से में गोभी और टमाटर लगाए थे, लेकिन क्या है कि सर नींबू के शुरुआती दिनों में एक इसमें लीफ माइनर की समस्या बहुत देखने को आती है। अच्छा, तो मुझे ये समस्या से भी बहुत ज़्यादा रूबरू होना पड़ रहा था और मेरा कंजप्शन इसमें बढ़ रहा था स्प्रे का, और ये शेड्यूल ज़्यादा बढ़ रहा था। और सर सब्जी में सर मेनली ये दिक्कत आती है कि इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है, अब बारिश हो या ठंड होगी इसमें सब्जी का पानी की आवश्यकता, और नींबू में पानी की कम होती है। हाँ नींबू में शुरुआती दौर में पानी आवश्यकता कम होती है, शायद यही कारण है कि आपने डॉलर चना और यानी चना और सोयाबीन की जो कम पानी की फसल दे सकते हो। तो यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार की इंटरक्रॉप ले रहे हैं और पौधे से कितनी दूर पर ले रहे हैं। ये 3 फीट पहले साल इन्होंने 3 फीट इधर 3 फीट इधर 6 फीट जगह छोड़ी। मैंने तो ऐसे किसान देखे हैं जो पौधे के पास तक भी गेहूं बोने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलिए, ये सिलसिला आपका कितने साल चला? सर ये मैंने वैसे कमर्शियली तो मैंने 3 साल तक रेगुलर बोया, उसके बाद 1 साल और बोया था मैंने, लेकिन 4 साल ही चला बोल सकते, लेकिन कम हो गया था क्योंकि पौधे की डेंसिटी बढ़ गई थोड़ा सा, फिर कम हो गया। अच्छा, अब 2014 में लगाए हुए पौधों से जो कॉमर्शियल फसल आई वो कौन से साल आई पहले? सर ये जून 2018 में आ गई थी कॉमर्शियल फसल मेरी। मतलब जून 2018 में आई फसल जो है ना, जिसके फूल फरवरी में आए। हाँ, फरवरी में आए थे। वो कितने नींबू उस टाइम बेचे थे? सर उस टाइम अप्रोक्स 1.25 लाख के आसपास मैंने बेचे थे उस टाइम में, 1.25 लाख के पहली फसल। और जो फिर मृग बहार जो सर्दियों वाली है उसके कितने हुए? उसके सर मृग बहार के मेरे सर जब उस टाइम में मैंने 78,000 के आसपास के कुछ बेचे। मतलब टोटल आपने 2 लाख की फसल पहले पांचवे साल में आपने चौथे साल में 2 लाख की फसल बेच दी थी आपने। तो आपकी थोड़ी आमदनी 5 लाख से घटकर 2 लाख पर आ गई। हाँ, उस साल क्योंकि पौधे बड़े हो गए। लेकिन सर उसका कैलकुलेशन सर मेरी फसल तो बीच में थी ना, गेहूं तो बोए थे मैंने। अच्छा, गेहूं तब भी बोए थे? गेहूं तो आमदनी उतनी थी। हाँ, बाकी गेहूं का सर वो रकबा थोड़ा सा कम हो जाता ना। अच्छा, मतलब उधर नींबू की आमदनी बढ़ गई और गेहूं की कम हो गई, टोटल उतनी ही रही, वही 5-6 लाख पर चलता रहा। अच्छा,
अब जब जिस किस वर्ष आपने ये इंटरक्रॉप बंद की ले? सर मैंने 2019 से बंद कर दी थी। 2019 से बंद। 2019 में कितनी आमदनी हुई आपको? सर ये मैं उस टाइम में पहुंच गया था सर, ये 4,75,000 के आसपास पहुंच गया था इसका। एक फसल का नहीं सर, ओवरऑल पूरे साल भर का, पूरे साल का पौने 3-4 लाख रुपए। हाँ, वो सर कोविड भी आ गया था इस वजह से। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, तब भी आपने 4 लाख इसके एक साल में कमाया। हाँ, हाँ, उसमें। अच्छा अब ये बताइए कि इस साल आपकी आमदनी कितनी हुई? वैसे अभी तक मैंने 6.25 लाख के आसपास में नींबू बेच चुका हूँ अभी तक तो। हाँ है ना, और अभी मेरी सर्दियों की फसल खड़ी है अभी मेरे पास। हाँ, तो मैं समझ लिया सर 2 लाख से 2.5 लाख और बिक जाएंगे मुझे, मतलब 8 लाख से ऊपर मेरा आमदनी हो जाएगी इस बार। 8 लाख से ऊपर। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष आपकी शुद्ध आमदनी 8 लाख रुपए हो जाएगी? हाँ हो जाएगी सर, 8 लाख से ऊपर ही चलेगी। क्यों, जब इतने के बिके हैं तो खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा कहाँ से निकालते हैं आप? सर खर्चा मेरा निकालने का मेन ये रहता है कि मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग करता हूँ। सब किसानों को बताना चाहूंगा कि मैं भैंसी पालन भी है मेरे पास। अच्छा, जो दूध का देख रही है मुझे 4-5 भैंस, दूध का काम भी चलता है। हाँ, और मेरे पास बकरी पालन भी जो लार्ज स्केल पर नहीं है, मैं छोटे स्केल पे करता हूँ, ज्यादा बकरियाँ नहीं है मेरे पास, लेकिन बकरी पालन भी करता हूँ। मुझे याद है कि 2 साल पहले आपने बताया था कि मैंने जो खाद डालने के लिए 3 बकरी बेच दी। 3 बकरी बेच दी थी। अच्छा, वो लार्ज स्केल पे नहीं है बकरी पालन मेरा, लेकिन लेकिन मुझे जाना है उसकी ट्रेनिंग लेने के हिसाब से, तो मैं आने वाले वर्षों में इसको लार्ज स्केल, मतलब बकरी पालन करने जा रहे हैं इसी जगह पर, इसी जगह पे करूंगा। अच्छा, और मेरे पास सर मुर्गियां भी है, देसी मुर्गी जो फ्री रेंज फार्मिंग में करता हूँ, जिसमें मुझे कुछ फीडिंग कुछ आप प्रोवाइड करा रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ती। बकरी और भेड़ में आपने बकरी क्यों छीनी? सर बकरी का बाजार काफी आसान है, जो आसानी से बिक जाती है। अच्छा, मतलब एक कह सकते हैं कि गरीब की गाय है ये। और अगर इसे हम खेत में छोड़ दें तो ये? हाँ सर, मैं खेत में छोड़ के इनका फीड प्रोवाइड कराता हूँ, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ फीड देता नहीं हूँ। जैसे आप देख रहे हो मेरे खेत में कि ये मेरा चारा उगा हुआ है, जैसे सूख चुका है। हाँ, जो इनको मैं सुबह 8 से 10 बजे तक इनको छोड़ता हूँ मैं यहाँ पर बकरियों को। अच्छा, और उसके बाद 2 घंटे चरने के बाद फिर हम फिर शाम को 4 बजे फिर छोड़ते हैं इनको। हाँ, और ये चारा अब इनके हिसाब से अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से खा लेती है। हाँ, और ये प्रोवाइड अपनी फीड को पूर्णतः कंप्लीट कर लेती है, जो मेरे एक्स्ट्रा का कंजप्शन नहीं होता है, मेरा कुछ खर्चा नहीं होता है ना। हाँ, मुझे कुछ दाना देना है ना कुछ हरा चारा देना। अच्छा, तो ये है वो नींबू जो अभी नहीं टूटे हैं, और मैंने देखा पानी भी चल रहा था। हाँ सर, और ये नींबू टूटने के हो जाएंगे, और मुझे अंदर छोटे छोटे नींबू भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, वो काफी मात्रा में है, ये शायद फरवरी मार्च के नींबू है। हाँ सर, ये मुझे मेरा ये गर्मी का बहार आ गया है, हस्त बहार का जो मैंने लिया था। अच्छा, उसका बहार अब मुझे ये मिलना चालू हो गया है। हाँ, तो मेरा मार्च में टूटना चालू हो जाएगा। अच्छा, ये नींबू अभी भी है, देखिए गुच्छे में नींबू बहुत सुंदर है। हाँ सर, इनका नावेद जी आपने मुझे प्रॉमिस किया था जी कि मैं चाहता हूं कि आपके बाग के नींबू के से बीज लेकर मैं नींबू की पौध तैयार करूं किसानों के। हाँ सर, इस साल इसका भाव अच्छा है, मार्केट में बहुत डिमांड है, तो क्या इस साल आप मुझे नींबू के बीज देंगे? हाँ सर, कब तक देंगे? इस साल में सर आपको नींबू के बीज आपको मैं नेक्स्ट मंथ तो ये समझ लिया, 15 फरवरी तक दे देंगे आप मुझे? मेरे हिसाब से दिसंबर तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। अच्छा, नींबू? हाँ, नींबू प्रोवाइड, ताकि अगले साल मैं उन्हें बोऊं। हाँ, और किसान साथियों जो अगले साल जुलाई में हमने पूरी तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी सी बहुत अच्छी वेल मेंटेन हाईटेक नर्सरी की, जिसमें नींबू के पौधे, कागजी नींबू के पौधे हम तैयार करेंगे, और वो सब सावधानी बरतेंगे जो कि एक 5-स्टार नर्सरी का स्टैंडर्ड होता है। बहुत ज़्यादा पौधे नहीं करेंगे, और ये नींबू के पौधे, लोग कहते हैं कि आपके पौधे का बाग दिखाइए, तो जिसे ये बाग देखना है वो बड़वानी में आए जी। नावेद शेख बड़वानी में बहुत जाने पहचाना नाम है, आप कहीं भी दुकानदारों से पूछिए, और एग्रो शॉप पर किसी पर भी चले जाइए तो नावेद शेख का नाम पूछिए, उनका बाग देखिए, और ये नींबू आपको मिलेंगे, ये हम प्रोवाइड करेंगे। तो नावेद जी आपने मतलब अब 8 लाख तो इससे कमा लेते हो जी। थोड़ा बकरी से इससे खर्चा निकलता। हाँ, है दूध घर का होता, दूध घर का हो जाता। इस 4 एकड़ के फार्म में 8 लाख की शुद्ध आमदनी जी सर।
जब मैंने एक किसान को एक कैलकुलेशन बताई किसी दूसरी फसल के बारे में कि आपको 1 लाख पर एकड़ की शुद्ध आमदनी होगी, तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और ये कहा, त्यागी जी अगर मुझे 60,000 प्रति एकड़ आप मुझे शुद्ध आमदनी करवा दोगे तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूँगा। तो अगर हम इस 2 लाख को कम कर दें, आप 6 लाख पर भी आ जाओ, तो ये एक बहुत अच्छी आमदनी है। और इसमें कुछ पोर्शन है जिसमें नावेद जी अभी बकरी पालन का कार्य कर इस आमदनी को 8 लाख से 20 लाख प्रतिवर्ष करने जा रहे हैं, जिसका वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। किसान साथियों, ये कमाई करना ये इतना आसान नहीं है, आपको बहुत लोगों को बहुत ध्यान से कार्य करना है। पौधे कैसे हों, कहाँ से लें, उनकी देखरेख कैसे करनी है। जो फसल इनके यहाँ होती है, चना हमारे यहाँ नहीं हो सकता, चना होगा हमें नुकसान होगा, हमारे यहाँ गेहूँ बहुत अच्छा होता है। तो आपको वही फसल करनी चाहिए जो नींबू को नुकसान ना दे, क्योंकि नींबू को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरी फसल लेकर आप एक अच्छी आमदनी भी प्रतिवर्ष कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सरसों बोते हैं, सरसों बो लीजिए आप, उसमें मटर बो लीजिए आप, उसमें उससे भी आमदनी होगी, कम से कम आपका खर्चा निकलेगा और बाद में बहुत अच्छी आमदनी। इसी के साथ मैं नावेद जी का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।